हेलो दोस्तों, मैं निर्मल, आप सबकी दोस्त। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब ठीक ठाक होंगे? तो चलिए दोस्तों, हम आज एक बहुत ही सुंदर सा और यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो इस डिज़ाइन को हम दो कलर में बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़े से फंदे लिए हैं और इसकी दोनों तरफ से एक उल्टी उल्टी सिलाई निकाल रही है बॉर्डर की तरह। तो ये हम नीचे इसको बॉर्डर मान के चलेंगे। तो ये मैंने टू के मल्टीपल में, इस डिज़ाइन में टू के मल्टीपल में फंदे लेंगे हम लोग। तो ये मैंने इसमें 16 फंदे डाल दिए हैं। हम गिन भी लेते हैं, जोड़े में गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों, इसमें एक फंदा हमारा कम है, तो सॉरी, हम इसको यहाँ पे फंदे को घटा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सॉरी, ये हमारे 14 फंदे हैं। ये हमारे यहाँ पे 7 जोड़े हैं, तो हमारे 14 फंदे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम दूसरा वाला कलर लगाएंगे। तो ये देखिए, इस वाले कलर से हम एक उल्टी और एक पहले सीधी सिलाई निकालेंगे, और उल्टी उल्टी तरफ से हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। हम इस वाले कलर से पहले एक सीधी सिलाई निकाल देंगे। मेरा उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई निकालेंगे। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। आप इसको बच्चों के, लेडीज़ के और गर्ल्स के टॉप पर इसको बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है और मिनटों में बनने वाला डिज़ाइन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब हम पहले वाले कलर से अपना डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसमें 3 फंदे जो हैं वो हम सीधे बनाएंगे, मैरून वाले धागे से 3 हम सीधे फंदे बना लेंगे। ये देखिए, और अब हम यहाँ से नीचे से, ये देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए, एक ये मैरून धागा, ये 2 ये पिंक धागे, और एक ये यहाँ से नीचे से मैरून वाला धागा, ये देखिए, यहाँ से ये वाला फंदा। तो ये हम तीनों के यहाँ से नीचे से इस तरह से लूप निकालेंगे, यानी कि एक फंदा निकालेंगे और थोड़ा सा इस फंदे को लूज निकालेंगे, और आगे 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर से इसी तरह से नीचे यहाँ से मैरून वाले से 3 से यहाँ से लूप निकालेंगे, यानी कि एक फंदा निकालेंगे और फंदे को लूज ही रखेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से हम यहाँ से एक फंदा निकालेंगे। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, इजीली बिगनर भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम नीचे से निकालेंगे, फंदे को लूज ही रखेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, और फिर यहाँ से लास्ट में फिर से निकालेंगे, और हम यहाँ मैरून वाले से निकालना था, और फिर 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। और अब रॉन्ग साइड से देखिए ध्यान से,
ये देखिए, ये दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, और ये जो फंदा हमने लूज फंदा हमने निकाला था एक्स्ट्रा फंदा, इसे हम ऐसे ही सिलाई पे उतार लेंगे, इसे बुनेंगे नहीं। और फिर दो फंदे उल्टे, और फिर इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे बिना बुने सिलाई पे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बनेंगे, फिर इस फंदे को उतारेंगे। तो इसी तरह से हम अपना पूरी जो रो है हमारी, इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे तीन फंदे उल्टे आएंगे, क्योंकि हमने तीन फंदे सीधे रखे थे स्टार्टिंग में। अब देखिए, अब राइट साइड में ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड सिलाई है, क्योंकि ये तो हमने नीचे बेस बना दिया था एक बार। अब हमारी थर्ड सिलाई ध्यान से देख लीजिए, थर्ड सिलाई जो है वो हम पिंक वाले धागे से बनाने वाले हैं। तो ये चार सिलाई का डिज़ाइन है, आधा पिंक से और आधा मैरून वाले धागे से बनेगा। तो ये देखिए, दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, और ये वाला जो फंदा है, ये देखिए ध्यान से, पास में करके भी आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो फंदा है इसको इस तरह से दो का एक करेंगे, और फिर यहाँ से ये देखिए इसी फंदे को दोबारा पकड़ेंगे, और बाहर से इसको इस तरह से दो का एक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये जो बीच में वी सा दिखेगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए सभी फंदों को, ये देखिए इस वाले फंदे से इस तरह से दो का एक बनाएंगे, फिर इसी फंदे को उठाएंगे और यहाँ बाहर से दो का एक करेंगे। सभी फंदे को ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से पहले वाले को इस तरह से, फिर जब इसे दोबारा हम फंदे को, इसी फंदे को हमने दोबारा उठाना है और बाहर से इस तरह से दोनों को लेके एक कर देना है। तो इस तरह से हमारे ये पिंक फंदे इस तरह से देखिए जोड़ा जोड़ा बनता जाएगा। जब भी आपके डिज़ाइन में आपको कुछ भी गड़बड़ लगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके ये फंदे हैं तो ये इस तरह से जोड़ा जोड़ा बनता जाएगा। फिर से इसी फंदे को उठा के दो का एक करेंगे। लास्ट में हमारे पास एक ही फंदा जो है सीधा बचेगा। ये देखिए उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी ही बनेगी, रोंग रोंग ही बनेगी, प्लेन सिलाई बनेगी इसकी उल्टी उल्टी। तो ये देखिए, ये चार सिलाई का हमारा जो है एक डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। चार सिलाई का एक डिज़ाइन बनेगा, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे डिज़ाइन थोड़ा सा बदल जाएगा, तो वो आपको ध्यान देना है। पहले हमने, अब हमने मैरून धागा लगा देना है। ये देखिए, पहले हमने तीन फंदे बनाए थे सीधे, अब हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। और ये देखिए, अब हम यहाँ पर ये नीचे से फंदा लेना है, और ये वाले दो फंदे जो है ये हमारे सीधे बन जाएंगे। फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ से लेना है हमने, और आगे दो फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। फिर ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, आप डिज़ाइन को पूरा देखिया करो। कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं और डिज़ाइन समझ में नहीं आता है, और फिर बार बार आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है।
तो पहली बारी में ही वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 10-15 मिनट की ही वीडियो होती है। अब ये देखिए, तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और फिर हमने ये वाला फंदा ऐसे ही उतारना है जैसे हमने पिछली बारी उतारा था। तो इसी तरह से हमारी उल्टी सिलाई बनेगी। ये बनने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर हमारे दो फंदे ही बनेंगे, एक बारी एक तरफ तीन आएंगे, दूसरी तरफ तीन आएंगे। तो ये देखिए, अब हम राइट साइड में पिंक धागा लगा देंगे। अब दो फंदे, एक फंदा हमारा सीधा बनेगा और इस तरह से ये देखिए, ये फिर से ऐसे ही हमने दो का एक करना है, फिर इसी फंदे को उठाना है और इस तरह से हमने दो का एक करना है। तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि आपको मैंने पहले ये बता दिया था, फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप ये देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ। ये लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे बनेंगे। ये देखिए, अब उल्टी सिलाई तो आपको पता है कि ये उल्टी ही बनेंगी, तो इसको हम फटाफट उल्टी उल्टी बना देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये हमारा चार सिलाई का डिज़ाइन है, बनाने में बहुत ही आसान है, दो कलर में फटाफट बनने वाला डिज़ाइन है। तो ये देखिए, रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखता है और राइट साइड से डिज़ाइन जो है इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, आप इस डिज़ाइन को क्या नाम देना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप इस डिज़ाइन को नाम दे सकते हैं। मैंने दोस्तों इसको आइसक्रीम कोन का नाम दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से ऊपर आइसक्रीम की तरह लगता है और नीचे ये इस तरह से ये कोन बनी हुई लगती है। तो आपने क्या नाम देना है इस डिज़ाइन को, वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने इसको आइसक्रीम कोन का नाम दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ जब हम ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे बनाएंगे तो डिज़ाइन किस तरह से दिखेगा। इसमें हो सकता है कि आपको ठीक से ना पता चले। देखिए, बड़े बड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अभी मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये इस तरह से देखिए, ये डिज़ाइन बिल्कुल छोटा सा ऐसे लगता है, छोटी छोटी आइसक्रीम कोन है। देखिए, बिल्कुल एकदम बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन आया है। ये देखिए, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ये हमारी आइसक्रीम कोन दिख रही है। तो ये हमने ये जो डिज़ाइन बनाया था, ये देखिए, हमने जब दूसरी बारी हम डिज़ाइन बनाएंगे, अब हम तीसरी बारी जैसे इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो अब हमारे यहाँ पर तीन फंदे आएंगे क्योंकि हमने इसके बीच में डिज़ाइन बनाना। जैसे यहाँ पर पहले बना तो फिर हमने यहाँ बीच में स्टार्ट किया, ये देखिए ऐसे बीच में बना है। अब जब दोबारा बनाएंगे तो ये तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे और फिर यहाँ पर एक बारी हमारे दो फंदे सीधे आएंगे और एक बारी तीन फंदे सीधे आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है बन के आएगा, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, और रॉन्ग साइड से भी इस तरह से दिखता है डिज़ाइन, तो समझ में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे एक और नया और आसान सा डिज़ाइन लेके आपके लिए। तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।